सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि हमें कोकोनट लड्डू कैसे बनाना है, घर पे कैसे बना सकते हैं, हलवाई कैसे बनाते हैं, हलवाई का जो तरीका है वो क्या है, तो वही मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोकोनट लड्डू यानी कि नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें दूध डालना है। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब दूध लिया है, मैंने यहाँ पे एक कप मैंने डाला और उसके बाद थोड़ा सा और डाला है, यानी कि 300 ग्राम मैंने दूध लिया है। और एक कप आप दूध ले सकते हो उसके लिए। और उसके बाद हमें इसको उबालना है, इसको थिक करना है, साथ में हम चीनी भी डाल देंगे। चीनी मैं 50 ग्राम डाल रहा हूँ, आप चाहो तो इससे ज़्यादा या कम डाल सकते हो, जितना आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो आप मीठा डाल ज़्यादा डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम यानी कि एक चौथाई कप मैंने इसमें चीनी का यूज़ किया है। अब उसके बाद इसको अच्छे से उबालना है और बिल्कुल इसको रबड़ी की तरह हमें थिक करना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें, हमें थोड़ा रबड़ी से थोड़ा कम ही थिक रखना है इसको। तो अब इसको उबालते हुए हमें करीब से 2 से 3 मिनट इसको हम उबालेंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो दूध है मेरे पास, आप कोई भी ताज़ा दूध या फिर घर का कोई भी दूध या उबला हुआ दूध कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमें इसको उबाल के थिक ही करना है। अब इसके बाद जो हमारी रबड़ी है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट 2-3 मिनट उबालने के बाद बिल्कुल थिक हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट थिक है। और उसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि एक कप भर के हमें कोकोनट पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में मिलता है पाउडर, कोकोनट का बुरादा, तो आप वो इसमें डाल दें। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी है, गैस बंद रखना है, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब गैस बंद करके हमें इसको मिक्स करना है। तो आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो, इसमें केवड़ा सेंस वगैरह इसमें आप यूज़ कर सकते हो, केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो इसमें और भी फ्लेवर के लिए। और उसके बाद मिक्स करने के बाद जो हमारे कोकोनट लड्डू का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके हमें सिर्फ लड्डू बनाने हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसमें कलर वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आप कलर इसमें ऐड करना चाहो। जैसे बहुत सारे कलर के आपने देखा होगा मार्केट में बनाए जाते हैं लड्डू, तो पहले इसको साइड रखते हैं, ठंडा करना है पहले इसको हमें। तो ठंडा करके हम इसमें जो कलर है वो ऐड करेंगे। तो 5-10 मिनट के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया है। इसको हमें हाथ से मैश करना है, ये देखिए हाथ से अच्छे से हाथ वगैरह धो के अच्छे से उसको मैश करेंगे। और इसमें से हाँ थोड़ा सा हम इसमें वाइट की स्टफिंग करेंगे कलर के अंदर, तो वाइट हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको निकाल के साइड में रख लिया है वाइट। और उसके बाद जो बाकी बचेगा हमारे पास उसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो कलर आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चमचम वाला जो पिंक कलर होता है ना आपने देखा होगा वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर डाला है इसके ऊपर। आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल सकते हो कलर के ऊपर ताकि जो हमारा कलर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो हमारा जो कलर वाला लड्डू है वो बिल्कुल मिक्सचर रेडी है। अब एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद अब हाथों में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना है और उसके बाद इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले हम एक पोर्शन लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए मैंने एक पोर्शन थोड़ा सा तोड़ लिया है। सो आप पहले से ही उसको तोड़ के रख सकते हो इक्वल साइज में। अगर आप थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो उसमें से तो साइज ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको इसको फ्लैट कर दिया। इसमें हम वाइट की जो है वो स्टफिंग करेंगे। तो वाइट इसके अंदर, तो अब जैसे मैं वाइट मिक्सचर इसके अंदर डाल रहा हूँ तो आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हो, इसके जगह आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट को मिक्स करके इसमें डाल सकते हो, काजू बादाम या कुछ भी आप इसके अंदर स्टफ कर सकते हो, या फिर आप इसके ऐसे ही लड्डू गोल गोल बना के आप इसको इन्जॉय कर सकते हो। तो मैंने इस स्टफिंग कर दिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए मैंने इसको डबल कलर में इसको बनाया है। तो अब क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से गोल करके और बिल्कुल अच्छे से शाइनिंग के साथ इसको गोल करें और उसके बाद ये बिल्कुल लड्डू रेडी है। तो ऐसे मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे लड्डू जो है हमने बनाए। और उसके बाद ये देखिए दोबारा हम इसी तरह से एक पोर्शन लेंगे, उसी के अंदर एक वाइट वाला इसमें स्टफिंग करेंगे बिल्कुल, कि वाइट बाहर ना आए, थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसमें, वाइट बाहर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। उसके बाद इसको बिल्कुल हम गोल कर देंगे बिल्कुल लड्डू की तरह और ये बिल्कुल लड्डू हमारे रेडी हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम और भी डेसिकेटेड कोकोनट जो है हमारे पास उसको कोट कर सकते हैं। ये देखिए सारे बना के रेडी कर लिए और ये जो हमारे पास कोकोनट का पाउडर है इसको हम इसके ऊपर भी कोट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन अगर ऊपर कर दो तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो इसको आप इसमें डाल के एक एक करके इसको घुमा ले। ये देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ ना इसी तरीके से, तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और
ऐसे ही हलवाई भी बनाते हैं, मैं खुद हलवाई हूँ और मार्केट में भी सेम मैं इसी तरीके से बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं आप सभी को सेम जो रेसिपी है वो बता रहा हूँ। और बहुत सारे जो हलवाई है उनका अलग अलग तरीका है बनाने का, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो जो भी तरीका आपको यूट्यूब पर पसंद आई या फिर मेरे चैनल पर जाके देख लो, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे तरीके के नारियल लड्डू अपलोड किया हुआ है, तो आप उस टाइप से बना सकते हो। तो देखिए हमारे जो लड्डू हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ आपको काट के दिखाता हूँ कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा दिखाई देता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कितना, और उसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में ही। और आप चाहो तो कलर और कोई भी यूज़ कर सकते हो या फिर कलरफुल लड्डू बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।